नमस्कार दोस्तों, दबंग ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। आ गया है अभी ऋतु नवरात्र का, सब लोग नवरात्र की तैयारी में लगे हुए हैं और आज नवरात्रि के पहले एक छोटा सा प्रोग्राम घर पे रखा गया है और उसकी भी लगभग तैयारी आज यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब जानते हैं कि नवरात्र के एक या दो दिन पहले, यानी आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख, 9 तारीख को नवरात्रम यहाँ पे लग जाएंगे, माता रानी का पिंड स्थापित हो जाएगा चैत्र नवरात्रि का। तो इसमें जो है दो दिन पहले माता रानी का चौकी यहाँ पे रखी गई है। इसके पीछे भी जरूर कुछ कारण होगा इन लोग का कि इतना जल्दी माता रानी का चौकी दो दिन पहले ही रख लेते हैं। वैसे कभी भी रखो माता रानी का चौकी, तो हम कभी भी रख सकते हैं, लेकिन दो दिन पहले माता रानी का चौकी रखने का जो यहाँ के आज के आयोजक हैं उनका कुछ मकसद होगा कि दो दिन पहले ही माता रानी का चौकी रख लिया जाए। उनसे भी मुलाकात करेंगे और उसके बारे में बात भी करेंगे। और अभी नवरात्रम का जो इस समय चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, इसमें मैं आप लोग को प्रतिदिन मिलूँगा, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए, हमारे बीच में साक्षी जी यहाँ पे आई हुई है, मैं एक छोटी सी मुलाकात उनसे भी आप लोगों का कराता हूँ। चलिए उनसे मिलते हैं। जो आयोजक मंडली है, आयोजक मंडली वेदांती तिवारी जी, उन्होंने आज का पूरा आयोजन किया है माता रानी का चौकी का। ये पूरा कलश और माता रानी का जो यहाँ पे चौकी है उसको यहाँ पे विराजमान किया है। अभी इनके जितने भी भक्त मंडली है वो लोग भी थोड़े समय में यहाँ आ जाएंगे। हमारे बीच में हमारी बच्ची साक्षी पलक, ये देखिए यहाँ पे आके बैठी है। और जय माता दी। आप इतना लेट क्यों आए और क्यों कहाँ पे अटक गए थे? आज वो ट्रैफिक था, संडे था, इसकी वजह से आने में लेट हो गए। अच्छा, आपको तो पहले ही बुलाए थे कि जल्दी चले आना, माता रानी का चौकी है, तैयारी करना है, तो आप लेट ही अगली बार से और जल्दी आने की कोशिश करूंगी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। चलो, बच्ची है और आके यहाँ पे जो आज का माता रानी का चौकी है उसमें भाग लेने के लिए आई है। और दोस्तों, फिर मैं आपको मिलता हूँ, क्योंकि माता रानी का चौकी की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो आज के आयोजक हैं, मैं आपको एक छोटी सी मुलाकात उनसे भी कराता हूँ। ये देखिए, और माता रानी का जो चौकी है, नियमित तौर से उनका आयोजन चलते रहता है, आप लोग के बीच में वो आती रहती है। तो ये देखिए, सामने से हमारे बीच में ये वेदांती तिवारी जी हैं, इन्होंने आज का आयोजन किया है। आप नवरात्रि के दो दिन पहले माता रानी का चौकी का आयोजन किए, क्या कारण है? माता जी जो है ये चैत्र के महीने में, चैत्र लगता है तभी से उनका आगमन हो जाता है, इसके लिए हम उनको दो दिन तीन दिन पहले से उनका जो है पूजा करते हैं, रखते हैं और भजन करवाते हैं। और नवरात्रि में सब जगह करना भी पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, तो इसके लिए अपने घर पे माता जी का चौकी पहले रखते हैं, अपने घर में पहले उनका पूजा करते हैं, बिठाते हैं, फिर दूसरे के घर में करते हैं माता जी। चलो, माता जी अपने घर में हो या दूसरे के घर में हो, पूजा करना तो जरूरी है, करना जरूरी है। तो नवरात्रि में और अपने हिसाब से अगर समय मिलेगा तो हम लोग फिर बाद में भी नवरात्रि का जो 9 दिन रहता है उसके बीच में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन पूजा करने का विशेष कारण यही है कि माता रानी का। हाँ, है, तो समझ लो कि नवरात्रि लग गई, अगर चैत लग गया तो समझ लो कि नवरात्रि लग गई, माता जी का आगमन हो गया है, पूजा कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। माता जी तो का जगराता तो हम कभी भी करते ही हैं, लेकिन चैत्र में और ज्यादा करके करना चाहिए। बहुत सुंदर विचार है, बहुत बढ़िया विचार है। माता रानी सबका भला करे, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे हम
तैयारी की तरफ बढ़ते हैं और जो छोटी मोटी तैयारी है लोगों का आना भी अभी शुरू हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा होके माता रानी का भजन करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ में बने रहिए। जय माता दी। दोस्तों हम लोग तैयारी के अंतिम पड़ाव में हैं। आज माता रानी का भजन है। हमारे साथ में वेदांती तिवारी जी और साक्षी जी, यहाँ सब लोग हम लोग इकट्ठा हैं और आज माता रानी का हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। आप लोग हमारे साथ में बने रहिए और अच्छे अच्छे भजन संग्रह जो है वेदांती तिवारी के पास वो आप लोग के सामने प्रस्तुत करेगी। पचरा है, माता रानी का भजन है, आज उसी का यहाँ पे आप लोग के सामने उनका प्रस्तुत करेंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारा भजन सुनिएगा और तिवारी जी के ब्लॉग पे जाके और उनका सपोर्ट करिएगा। हम लोग माता जी का भजन हर हमेशा रखते रहते हैं। आप लोग सुनिए, उनके ब्लॉग पे भी सुनिए, हमारा चैनल है उस पे भी सुनिए। जय माता दी। जय माता दी। लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, कमेंट भी साथ में कीजिए। जय माता दी, माता दी। दोस्तों हम सब लोग इकट्ठा हो गए माता रानी का भजन के लिए। चैत्र नवरात्रि का ये पर्व चालू हो गया है हमारे यहाँ। जब से चैत्र लग जाता है उसी दिन से माता रानी का आगमन शुरू हो जाता है। भक्त मंडली सब तैयार हो जाती हैं माता रानी का पचरा, माता रानी का भजन गाने के लिए। हमारे बीच में भक्त लोग आ गए हैं, अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ आना बाकी है। तो चलिए दोस्तों मैं एक एक से आपको मुलाकात कराता हूँ। ये देखिए भक्त लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और सब माता रानी का भजन पचरा गाने के लिए तैयार हैं। और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी श्रीमान शुक्ला जी, जो उनका सहयोग विशेष रूप से हमें प्राप्त रहता है, वो भी हमारे बीच में आ गए हैं अपने साजो सामान के साथ। ये हमारे बच्ची शुक्ल जी हैं। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी ढंग की हो, ये हमारे साथ सहयोग देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। और अब माता रानी का भजन यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। कृपया आप सब लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। ये हमारे आज की आयोजक वेदांती तिवारी जी हैं जो अपने कार्य में लगी हुई हैं और बस माता रानी का भजन जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जय हो शेरावाली मैया की, जय माता दी। और दोस्तों फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। वेदांती तिवारी अपने कार्य में लगी हुई है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अभी बाद में मिलते हैं सबसे। माता के भक्ति का कोई ओढ़ पेड़ नहीं है, जहाँ से चाहिए वहाँ से उनके रूपों का, उनके गुणों का, उनके साहस का बखान करके लोग माता रानी का भजन, माता रानी का पचरा अपने हिसाब से गाते हैं। कभी उनके रूप का वर्णन करते हैं, कभी श्रृंगार का वर्णन करते हैं, कभी उनके शौर्य का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार वो अपने भक्तों का उद्धार करती हैं, अपने भक्तों का सहारा बनती हैं, लोग माता रानी का बखान करते हैं। देखिए आइए सुनते हैं कि उनके शरीर में जो लालिमा है, उनके जो चेहरे पे लालिमा है, उसका खान भक्त किस ढंग से करते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं कि अड़हुल का फुलवा लाले लाले। लाले लाले अड़हुलवा के फुलवा लाले लाले।